हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मम्मी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम महाराष्ट्र की ठेचा चटनी बनाएंगे, तो इसके लिए देखिए मैंने क्या सामग्री ली है। फ्रेंड्स, ये ठेचा चटनी आप किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। तो देखिए, ये हरी मिर्च है जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेज में कटिंग कर ली है। ये इस तरह की हरी मिर्च है, तो मैंने इसे छोटे छोटे पीसेज में कटिंग कर ली है। और ये लहसुन है, लहसुन की कलियां हैं, आप इस हिसाब से लीजिए। 10-15 ले लिए मैंने करीब, और इनको थोड़े पीसेज में कटिंग कर लिए। और ये नमक है और राई है और ये जीरा है। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो देखिए मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ, ठेचा चटनी। ये मैंने गैस के जला दी है और इसके ऊपर कढ़ाई रख दी है, इसे हम थोड़ा फ्राई करेंगे। ये तेल हमारा गरम हो रहा है, ये ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हम ये जीरा डालेंगे, थोड़ा सा मैं जीरा डालती हूँ। और ये लहसुन डाल दिए। पहले मैं लहसुन को थोड़ा सा गैस धीरे कर दी है, फ्रेंड्स मैंने थोड़ा धीरे गैस में अच्छा होगा। इसको हल्का हल्का ही फेंकना है। और इसके बाद मैं ये हरी मिर्च डाल देती हूँ। ये हरी मिर्च भी डाल दी, थोड़ा धीरे गैस में ही हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, तेज नहीं करना है हमें। बस, और ये गैस बंद कर दी मैंने, गैस बंद कर दी। और अब इसे मैं इस बॉल में डाल के ठंडा करूँगी। और ठंडा करने के बाद मैं इस ग्राइंडर में, बीच वाले ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी। मोटा मोटा था ग्राइंड करना है। और जब मैं ग्राइंड करूंगी तभी मैं इसमें नमक डाल दूंगी। तो अभी मैं ग्राइंड करके आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, तो ये मोटे मोटे पीसेज हैं थोड़े, इसी तरह से ये ग्राइंड होती है। ज़्यादा बारीक पीसेज में नहीं होती है, चटनी नहीं बनती है इसके। तो अब मैं इसमें, ये तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं राई डाल के तड़का लगाऊंगी। ये राई डालती है और इसमें तड़का लगाएंगे। गैस तेज कर दी है मैंने, जो कढ़ाई में तेल बचा था मैं उसी में ही कर रही हूँ। ये राई तड़कने लगेगी तब हम ये जो ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड किया था, मोटी मोटी ग्राइंड की थी मैंने मिक्सी के ग्राइंडर में, तो ये मैं अब डाल देती हूँ। हरी मिर्च और लहसुन, और इसमें नमक भी मिलाया था। राई तड़कने लग गई है फ्रेंड्स, तो इस तरह से तेल डालने से ये चटनी ज़्यादा चलेगी और आप 4-5 दिन तक इसे रख सकते हैं। और हल्का सा सेक के और गैस बंद कर दीजिए। बस इतनी जल्दी बन जाती है। और आप किसी के भी साथ रोटी, पराठे, पूरी, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं इसे। और इसे थोड़ा सा चटपटा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं,
चार पांच दिन आराम से ये चटनी चल जाएगी। ये मैं सर्विंग बाउल में ले लेती हूँ फ्रेंड्स, तो आपको सर्व करके बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ठेचा चटनी कितनी मस्त लग रही है। आप इसे रोटी पूरी और किसी के भी साथ स्नैक के साथ खा सकते हैं। और इसके अंदर हमने थोड़ा सा नींबू भी डाला था। आपको और ज़्यादा टेस्टी चाहिए तो आप थोड़ा सा और नींबू इस तरह से डाल सकते हैं। और इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, चार पाँच दिन तक ये आराम से चलेगी। ठेचा चटनी महाराष्ट्र की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। Bye.